राज्यसभा सांसद ने नीट घोटाले में चल रही जांच पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नीट घोटाले में चल रही जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से व्यापम घोटाले की जांच दबकर रह गई थी, ठीक उसी तरह से नीट घोटाले के भी आरोपी सामने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, जाँच अगर मिली भगत से होती है तो निश्चित रूप से कुछ सामने नहीं आएगा, और अगर यही जाँच निष्पक्ष होती तो अपार सबूत अभी तक सामने आ चुके होते। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि मुझे बहुत ही दुख है कि देश के करोड़ों बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है। पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर जिस तरह से भाजपा लगातार बनर्जी सरकार पर हमला कर रही है, उसको लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि महिलाओं पर हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में हो रही है, और मैं हमेशा से ही महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का खिलाफत रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं को सिर्फ पश्चिम बंगाल दिख रहा है, उसे ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के लिए चैलेंज बन गई है। नीट में घोटाले तो हुए हैं, लेकिन उनके पास किस बात का कोई सबूत नहीं है, कैसे देखते हैं आप इतने बड़े एक्शन पर रिएक्शन पे? मुझे आश्चर्य है, मुझे पीड़ा भी है इस बात को लेके। जैसे व्यापम में इनको कोई सबूत नहीं मिले, वैसे लगता नीट में भी इनको कोई सबूत नहीं मिलेंगे। अगर मिली भगत होती है तो कभी सबूत नहीं मिलता है, और निष्पक्ष जाँच होती है तो सबूत अपार अवेलेबल है। मुझे बहुत दुख है जो करोड़ों बच्चों के साथ ये विश्वासघात हो रहा है। मैं इसको, देश इसको माफ नहीं करेगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।